ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमें अपने चित्त को इतना शीतल करना है कि हमसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलते रहें। परिस्थिति कैसी भी आती रहे, लोग कुछ भी करते रहें, लेकिन हमारे अंदर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न ना हो, अंश मात्र भी क्रोध न रह जाए। जब अंश मात्र भी क्रोध से हम मुक्त हो जाएंगे, तब समझ ले हम काम से भी मुक्त हैं, क्योंकि काम ही क्रोध को जन्म देता है। किसी भी परिस्थिति में आने पर अभ्यास करें कि पहले बाह्य क्रोध समाप्त होने लगे, फिर अभ्यास करें मन में उठने वाला क्रोध समाप्त होने लगे, फिर अभ्यास करें किसी के प्रति बदले की भावना रोब ये भी समाप्त होने लगे। इस तरह जैसे जैसे हमारा क्रोध शांत होगा, हमारी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ती जाएंगी और यही सब चारों ओर फैलकर दूसरों की मदद भी करेंगी और हमारे जीवन को भी निर्विघ्न समस्याओं से मुक्त रखेंगी। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं, उनकी स्थिति तो बहुत ही निम्न कोटि की है। अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना, अपनी भावनाओं को शांत रखना, तुरंत उत्तेजित न हो जाना, ये भी एक अच्छी कंट्रोलिंग पावर है, तो इसको भी हमें धारण करना है। और इसके लिए रोज सवेरे कम से कम 7 बार अवश्य अभ्यास करना है। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति तो मेरा श्रृंगार है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। फिर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। नो इमीडिएट रिएक्शन, कोई भी बात आई, किसने कुछ भी कहा, आज्ञा न मानी, काम बिगाड़ दिए, या और भी जो भी हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो उन्होंने नहीं किया, तो तुरंत रिएक्शन नहीं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो क्रोध की अग्नि शांत होती जाएगी, क्योंकि ये ऐसी अग्नि है जो आत्मा को जलाती है, तपाती है, हमारी शांति को भी जलाकर नष्ट कर देती है, हमारे सुखों को भी हमसे छीन लेती है और हमारा मन एक विशेष तरह की खिन्नता और आत्मग्लानि से भर जाता है। तो संकल्प कर लें कि मुझे पूर्ण रूप से क्रोध मुक्त बनना ही है। अगर हम ज्ञानी आत्माएं, भगवान के बच्चे और वे आत्माएं जिन्हें संसार का कल्याण करना है, जिनका अवतरण ही यहाँ शांति स्थापना के लिए हुआ है, वे ही यदि क्रोध की अग्नि में जलेंगे तो संसार की अग्नि को कौन बुझाएगा। सब के लिए एक सुंदर दृष्टि अपना लें। सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, कोई बहुत बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान, ये वैरायटी काइंड्स ऑफ सोल से संसार की ब्यूटी है। मुझे सबको सहयोग देना है, सिखाना है, सिखाने की भावना होती है तो क्रोध की फीलिंग्स कम होने लगती है। इस तरह के चिंतन से हम इस अग्नि को शांत करेंगे और आज सारा दिन ये ध्यान रखेंगे क्रोध जरा भी ना आए। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं तो पीस हाउस हूँ, मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। और फिर बीच बीच में चलेंगे अपने धाम शांति के सागर के पास,
उसकी शांति की तरंगों के नीचे बैठ जाएंगे और फील करेंगे शांति के सागर की स्वीट साइलेंस के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। ओम शांति।